नमस्कार, टीवीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। चित्तौड़गढ़ में कोरोना गाइडलाइन को लेकर पुलिस प्रशासन ने जन जागरूकता रैली रासमी कस्बे और मातृकुंडिया में निकाली। रैली पुलिस थाने से शुरू हुई और कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर निकली। रैली में पुलिस जवान और कर्मचारी हाथों में तख्तियां लिए हुए कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना वैक्सीनेशन और गाइडलाइन की पालना करने का संदेश दे रहे थे और सरकारी वाहन पर लगे माइक सिस्टम से भी अनाउंस कर कोविड गाइडलाइन की पालना करने की अपील की गई। लहर जिस गति से बढ़ रही है उससे बचाव के लिए आज उपखंड स्तरीय सभी अधिकारियों, पुलिस प्रशासन, पंचायती राज विभाग, वन विभाग, चिकित्सा विभाग और सभी अधिकारियों के साथ जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। सभी व्यापारियों, आमजन, फल फ्रूट वाले दुकान विक्रेता, ऑटो विक्रेता, सभी दुकानदारों को सावचेत किए गए कि बिना मास्क किसी भी व्यक्ति को सामग्री नहीं देवें तथा डिस्टेंस बनाए रखें। आज रासमी और मातृकुंडिया में इस रैली का आयोजन किया गया। अभी अभी जानकारी मिली है कि एक रासमी में तथा एक पौना में कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं, जिसकी और भी देखते हुए, इस गति को देखते हुए सावधानी बरतने की एहतियात के तौर पर कार्रवाई की जा रही है तथा जन लोगों को कोरोना से बचाव के उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सभी ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स, माय पुलिस और प्रशासन का एक साथ ब्लॉक स्तर पर ही कोरोना जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसके तहत सभी लोगों को, आमजन को, जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं और जो आम लोग हैं उनको कोरोना के संबंध में जानकारी दी गई, जिस तरह से कोरोना फैल रहा है उसके संबंध में जो चालान वगैरह होंगे तो उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए जो है आज हमने रासमी और मातृकुंडिया दोनों जगह पर जागरूकता रैली का आयोजन किया, जिसमें लोगों को समझाइश भी की गई कि बिना मास्क के नहीं निकले, सामाजिक जो दूरी है वो बनाए रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं। और दुकानदारों को से भी ये लोग, हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप जो है किसी भी बिना मास्क के व्यक्ति को और सामाजिक दूरी रखते हुए ही आप जो है वो दुकान पे सामान दें, अन्यथा चालान किया जाएगा। श्रीमान एसपी साहब जिला चित्तौड़गढ़ और श्रीमान कलेक्टर साहब जिला चित्तौड़गढ़ के निर्देशानुसार आज उपखंड स्तर पर SDM रासमी, तहसीलदार साहब रासमी और अन्य उपखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ पुलिस थाना रासमी के समक्ष जाते के साथ कोरोना से बचाव से संबंधित स्लोगन और तख्तियाँ लेते हुए संपूर्ण रासमी कस्बे के अंदर पैदल घूमते हुए और गाड़ी से माइक पे लोगों को अनाउंस करते हुए कि कोरोना से बचना है, मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी बनाए रखनी है, जो भी कोरोना से बचाव संबंधित कोरोना जो गाइडलाइन है उसकी पालना संबंधित लोगों को बाजार में घूमकर समझाइश की गई है और लोगों को अवेयर किया गया है। इसके बावजूद ही अगर कोरोना गाइडलाइन को उल्लंघन किया जाता है तो लोगों के खिलाफ विधि अनुसार। भीलवाड़ा शहर की कावाखेड़ा कच्ची बस्ती में कालबेलिया समाज के लोगों ने शमशान की मांग को लेकर शव को 12 घंटे से अधिक समय तक घर में रखा। कालबेलिया समाज की मान्यता के अनुसार वह जहां रहते हैं वहीं पर शव को दफनाया जाता है, मगर यह जमीन निजी होने के कारण शव को दफनाने को लेकर मालिक ने इनकार कर दिया। इसके कारण काफी देर तक वहां पर विरोध प्रदर्शन जारी रहा। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना अधिकारी दुर्गा प्रसाद धादीच और तहसीलदार लालाराम यादव मई जाब्ते के वहां पहुंचे। बाद में पुलिस और तहसीलदार की समझाइश के बाद हरणी महादेव के मेले ग्राउंड के पास शमशान भूमि प्रदान करने का आश्वासन देकर वहीं पर उसका अंतिम संस्कार करवाया गया। ये हजारीनाथ नाम का एक कालबेलिया समाज का, हमारी समाज का एक बंधु था जिसकी आज ही रात में उसकी डेथ हो गई थी और ये अपने भीलवाड़ा जिले के 25 नंबर वार्ड में कच्ची बस्ती में निवास करता था और डेथ हो जाने से सारी समाज के लोग हम यहाँ इकट्ठे हुए। शमशान घाट की जमीन नहीं थी, इस कारण हमने सारी प्रशासन को भी इतला किया, प्रशासन को मौके पर बुलाया, CI साहब मौके पर आए, तहसीलदार जी मौके पर आए, नायब साहब मौके पर आए और पटवारी साहब मौके पर आए और इन्होंने हरणी महादेव के पास आके हमें शमशान घाट की जमीन बताई और 2 बीघों जमीन कालबेलिया समाज के नाम पर आरक्षित करने की बात हुई है। आज ही तहसीलदार जी ने कहा आज ही हम इसका प्रस्ताव पारित करके हम लोग भेज देंगे, तो उनके लिए हमारे को भी अभी पूरी तरह से न्याय की जो बात थी वो न्याय में हम बिल्कुल खुश हैं कि भाई हमारे को शमशान घाट के लिए जमीन आरक्षित होगी।
आपका नाम? मेरा नाम रतननाथ कालबेलिया, गुमंतु जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष, और मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रशासन ने हमारी सुनी और कालबेलिया समाज की शमशान घाट के लिए इन्होंने प्रस्ताव पारित करने की बात कही। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर आमजन को जागरूक करने के लिए उपखंड क्षेत्र में प्रशासन ने गुरुवार को फ्लैग मार्च निकाला। जानकारी के अनुसार नागौर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी और जिला पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह के निर्देशों की पालना में कोरोना से बचाव के लिए आमजन को जागरूक करने के लिए उपखंड अधिकारी ब्रह्मलाल जाट, तहसीलदार सतीश राव, थानाधिकारी धर्मेश दायमा और पुलिस विभाग के जवानों और कार्मिकों के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। उपखंड अधिकारी ब्रह्मलाल जाट ने बताया कि फ्लैग मार्च के दौरान आम जनता को कोरोना वायरस ओमिक्रोन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। नसीराबाद में पुलिस उप अधीक्षक के नेतृत्व में नगर के मुख्य बाजार में फ्लैग मार्च निकाला गया। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर आम जनता को गाइडलाइन की पालना के लिए जागरूक करते हुए नसीराबाद पुलिस उप अधीक्षक पूनम सहित सदर थाना अधिकारी राजेश मीणा, नसीराबाद सिटी थाना के SI राधेश्याम, यातायात पुलिस के संपतलाल सहित सिटी और सदर थाना के पुलिस कर्मियों द्वारा नगर के मुख्य बाजार में फ्लैग मार्च निकाला गया। साथ ही नगरवासियों सहित दुकानदारों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए जागरूक किया गया और बिना मास्क घूमने वाले लोगों और दुकानदारों के चालान काटे और समझाइश भी की गई। बूंदी जिले के सीतापुरा नहर में गुरुवार दोपहर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक 3 दिन पहले अपने दोस्त के साथ शराब के नशे में नहर में गिरा था। साथी तो नहर से निकलकर अपने घर चला गया, लेकिन वह नहर से बाहर नहीं निकल सका और उसकी मौत हो गई। थानाधिकारी दिग्विजय सिंह ने बताया कि मृतक की शिनाख्त बिंदोलिया गंगराज चित्तौड़गढ़ निवासी कमलेश रेगर के रूप में हुई है। दोपहर करीब 3 बजे उसका शव सीतापुरा नहर में पड़ा मिला। शव मिलने का पता चलने पर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान के बाद पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल की मोर्चरी में भिजवाया गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TPB न्यूज़।